आप सब कैसे हैं? खुश हो रही है जी आज पहली बार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन व्लॉग। जब मैं वीडियो भी शूट कर रहा था तो मुझे आनी नहीं आ रही होती जी। तो क्या हाल है सबके? सब ठीक है? हम यहाँ ठीक ठाक है, A1 है। आप सब कैसे हैं? संडे कैसा गुजरा है सबका? गाइस किचन का देखो हाल जरा, मेरा सारा बिखरा हुआ है क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रही है और मेहमान आए हुए हैं, बच्चों की फूफो दादो चाचू जो के अंदर बैठे हुए हैं। मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी काम, आज बना रही हूँ जी अरीनाज बिरयानी। बस अभी खाना फटाफट बनाते हैं फिर मिलते हैं खाने पे। बहुत गर्मी हो रही है, लाइट नहीं है, इस वजह से मैं अभी तक अभी बस यहीं पे बन रही है बिरयानी क्योंकि आए हुए हैं मेहमान। तुम ये देखो जी बन रही है बिरयानी, चिकन बिरयानी क्योंकि अरीना का घर हो और चिकन बिरयानी ना बनी, मतलब कि अरीनाज बिरयानी ही समझ जाओ यार। तो पानी यहाँ मैंने रख दिया है और इसमें मैंने भी डालना है गरम मसाला और ये बन रहा है और साथ में मेरी रिंग लाइट उधर पड़ी हुई है और ये शाम को लग रही है गर्मी और फटाफट बनाते हैं खाना क्योंकि अंदर आ गए मेहमान। तो फिर खाने पे मिलते हैं जी। आज की तो बनाई नहीं, अभी तो बना रहे हैं। देखो साडा कमांडो आ गया जी। चल बॉडी बना, कैसे बनाती है बनाओ जरा, नहीं कह दो ऐसे ऐसे जैसे करती है। और अभी बारी आ गई थी जी रायते की तो फटाफट फिर मैंने हाथ से पीसा। गाइस आपको क्या बताएं, जब लाइट और गैस का मसला हो ना घरों में तो चलो खैर है, ये बात तो नहीं है पूरे पाकिस्तान में ये मसला है, लेकिन फिर भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई आ जाए तो स्लो स्लो खाना बनाना, इतना जहर लगता है ना बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि 4 बजे तक मैंने बिरयानी वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था ताकि आए हुए मेहमानों के लिए जल्दी से खाना वाना रेडी हो गया था। और सबको पता है मुझे ये हाथ से पीस के रायता बनाना बहुत 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 अच्छा लगता है। और थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, दांतों में बड़ी पेन हो रही थी मेरे, फिर मैंने इसी के साथ सारा कुछ काम किया बिरयानी का। ये देखें इतना अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बड़ी तारीफ़ हुई मेरी। तो फिर किचन विचन मैंने सारा साफ़ करना था, फिर लगाया खाना और आंटी ने करनी थी प्रेयर क्योंकि वो हमेशा खाना जब लगाते हैं तो प्रेयर करती हैं। बड़ा अच्छा लगता है बुज़ुर्गों का घर में होना, बड़ा ही बहुत ही बरकत का बायस होता है। और सब बैठे हुए हैं खाने के लिए तो अभी सब वेट कर रहे हैं कि जैसे ही दुआ हो और खाना खाएं और थोड़ा फिर चाय वाय बनाएंगे थोड़ी देर तक खाना खाने के बाद,
क्योंकि खाने के बाद चाय तो बहुत लाजमी है। बाबा को चाहिए थे जी गर्म चावल, तो मैंने उनको जल्दी से बोला आप ट्रे में से मत लो, मैं आपको देग में से निकाल के देती हूँ, क्योंकि हमने ना अपने देगचे के ऊपर परात रखी हुई है, क्योंकि वो ना उसका ढक्कन मुझे मिल ही नहीं रहा था, वो बड़ा बहुत बड़ा है तो वो ढक्कन ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो खाना खा रहे थे सब, बहुत इंजॉय कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था सबने मिलके। काफ़ी टाइम के बाद हम बैठे ऐसे खाना खाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। पुपोलों का आना बहुत अच्छा लग रहा था, फैमिली टाइम तो एक अलग ही, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है गैदरिंग में फैमिली में रहना, लेकिन अकेले हैं तो चलें। और फिर मैंने ली अपनी प्लेट और बैठी खाना खाने के लिए। शान के साथ मैंने व्लॉगिंग बनाना चाहिए, लेकिन उसको तो आ रही थी जी बड़ी शर्म। और खाना मेरा, गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने डाइटिंग शुरू की हुई है पर मैंने फिर भी बिरयानी बना के इतनी ढेर सारी खा ली। सब बैठे हुए हैं और भी खाना वाना हो गया ख़त्म सब, बस शुक्र है खुदा का, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत मज़ा आया सबके साथ बैठे बातें की मजाक किए। फिर मैंने किया जी इधर अपना जूड़ा बांधा और किया मैंने अपना लंगोटा शंगोटा, ताकि करूं किचन का काम सारा ख़त्म करूं, क्योंकि किचन काफ़ी बिखर गया था। साथ मैंने चाय भी रख ली थी, बच्चों के यूनिफॉर्म धोने थे, सैटरडे को धो नहीं सकी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उस वजह से मैंने नहीं धोए। अभी ये बिखरे किचन को करते हैं जी सेट, और शुक्र है खुदा का बाकी बड़ा अच्छा रहा। और बर्तन वर्तन धो रही थी मैं, फिर बस ऐसी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं सुबह की उठी हुई थी। और जी बात यह है कि मेहमान गए हुए हैं ज़रा ऊपर वाले पोर्शन में भाईजान के बच्चों से मिलने के लिए, और यहाँ पे एक सरप्राइज ये है कि शाइन शिवान बना रही है चाय। हाँ सही है, हाफ डाल शिवान मेरे साथ बना रही है जी चाय। शिवान ने बनाई है चाय, स्टोव पे रखी थी। हाँ यार इसने ये देखिए चाय बना ली है, जल्दी कर ठंडी हो रही बहन। हमारी चाय के भी गाइस इतने ज़्यादा प्रेशंस है ना, चाय हमारी ऐसी होती है कि जैसी ना बस पका पका के वाली नहीं। ओके थैंक यू है बाबा, लेके आए हैं कितने बच्चे? 20 तो लेने, 10 चाय को दे दे। क्या लिया? ओ अभी बबल ले आना थोड़ी देर में जाके ना, उसको बबल चाहिए यार, वो लंबी वाली नहीं होती जो येलो वाले रैपर होते हैं, उसका स्टिकर भी निकलता है। खुश हो रही है जी आज पहली बार पैकेट खोल के, आज उसको आया हुआ है जी मैं चाय दूंगी मैं चाय। और इधर देखें जी शाइन भाई के काम, उनको वीडियो में नहीं आना, बड़ा शर्माते हुए हमने फिर भी उनकी वीडियो बना ली। बाबा बैठे हुए हैं और हम पिए रहे हैं जी चाय। शिवान का हो गया जी आई का मसला, इसको जो आजकल इन्फेक्शन चल रहा है वो हो गया, बाकी सब ठीक है शुक्र है खुदा का। शाइन इधर बैठी हुई है और अभी पीते हैं फिर चाय शाय। और मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए है। मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।